आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और परिमाप के तीन गुने हैं तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? ठीक है, मतलब मुझे क्या कहा है, मुझे बताया गया है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो पहले दो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज हुआ और ये हो जाता है दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हम नाम भी देते हैं, ये होता है ए बी और सी, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, इसकी भुजा होगी ए, ये वाली भुजा होगी बी, ये वाली भुजा होगी सी, इसको हम मैं बोल देता हूँ पी क्यू और आर, तीन भुजा इसकी होगी। ठीक है, अब उसने कहा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और परिमाप प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं, मतलब ये वाली भुजा की बात कर रहा है ए बी जो है तीन गुनी किससे, पी क्यू से। ठीक है, क्योंकि उसने बताया है। ठीक है, तो उसने बताया है कि जो ए पी ये है, ए जो ए है भुजा वो क्या है, वो तीन गुनी है किसकी, पी की। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि एक और भुजा बी वो क्या है, वो तीन गुनी है किसकी, दूसरी भुजा की। ठीक है, और उसके बाद उसने मुझे बताया है कि जो परिमाप है पहले वाले त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो क्या है, वो तीन गुना है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, वो तीन गुना है किससे, वो दूसरे वाले त्रिभुज के परिमाप से, तो पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे दिया गया है कि जो ए है वो तीन गुना है पी से, जो बी है वो तीन गुना है क्यू से, और जो ए प्लस बी प्लस सी है मतलब तीनों भुजाओं का योगफल मतलब परिमाप, वो भी तीन गुना है दूसरे त्रिभुज के परिमाप से। चलिए, अब मैं क्या कहता है, ए का मान मुझे पता है तीन पी, तो मैं यहाँ पे तीन पी रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे तीन पी रख देता हूँ ए की जगह, तीन पी मैंने रखा, प्लस बी का मान मुझे पता है तीन क्यू, ये मैंने रखा, प्लस सी का मान मुझे नहीं पता था, उसके बाद मैंने अंदर तीन मल्टीप्लाई कर दिया तीन की, तीन पी प्लस तीन क्यू प्लस तीन आर। ठीक है, अब क्या होगा, तीन पी यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तीन क्यू यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये आपस में माइनस हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो सी का जो मान बचता है मेरे पास, सी इज इक्वल टू वो मेरे पास आता है तीन आर। ठीक है, सो ए का मान कितना है, तीन पी, बी का मान कितना है, तीन क्यू, और सी का मान कितना है, तीन आर। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं यहां पे ए बटे पी। ठीक है, ए बटे पी लिखा मैंने, बटे इजिकल टू बी बटे क्यू, और बराबर है सी बटे आर। ठीक है, क्या ऐसा है, देखते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू है तीन पी, ए की वैल्यू तीन पी रखी बटे पी, बराबर है बी की वैल्यू कितनी है, तीन क्यू बटे क्यू रखा, और सी की वैल्यू कितनी है, तीन आर बटे आर रखा। ठीक है, तब मेरे पास यहां से क्या आता है, यहां से मेरे पास आता है तीन बराबर तीन बराबर तीन। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो शर्त है, ये वाली शर्त सेटिस्फाई, ठीक है, या संतुष्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः मैं कह सकता हूं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
ठीक है, और यही मुझे बताना था कि असमरूप होते हैं या नहीं होते हैं। और वो हमने इस शर्त के संतुष्ट होते ही बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।